हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को ईद मुबारक। और बहुत ही समय, बहुत टाइम के बाद ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो आप सभी को ईद मुबारक। और जो है ये रहा अरहान। हम ईद मुबारक दोस्तों, कैसे हैं आप? आयान, ये रहा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सबको। जी हाँ गाइस, हम लोग नमाज़ पढ़ करके आ गए हैं और 7:30 बजे की, ऑलमोस्ट 7:50 की नमाज थी। उठना बहुत भारी हो रहा था, सो आज से हम लोग व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। इस व्लॉग में से इसलिए स्टार्ट किया है कि आयान भी जो है हमारे साथ इस साल अभी ईद में है, फिर जो है नेक्स्ट ईयर शायद नहीं रहेगा, इसका एग्ज़ाम रहेगा तो ये बोर्डिंग में ही रहेगा। तो मैं बोला कि ये इस बार भी व्लॉग हम लोग इस ईद को बना लेते हैं, ताकि हमारे पास रहेगा कि हमारे साथ एक ईद अभी किया था इसने लास्ट, है ना। सो कितने रोजे रखे आपने? चार। सुबह उठने में कैसा लग रहा था आज? बहुत ज़्यादा। हाँ, हाँ, सो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के रोज़े भी अच्छे से हो गए सब, माशाल्लाह बहुत अच्छा सा हुआ। और जो है अभी फातिमा भी गई है नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए, थोड़ी देर में से भी मिलाता हूँ। और अरु के रोज़े का हालचाल पूछता हूँ। अरु, आपके क्या थे रोज़े रखे थे, कैसे लगे आपको? मेरे अभी तक 4 ही हुए। आपके भी 4 हुए थे? हाँ। अच्छा देखा जाए तो इंशाल्लाह मैं पूरे रोजे रख सकता था, लेकिन मेरा स्कूल था। इंशाल्लाह बड़े हो जाओगे फिर स्कूल के साथ साथ रोजे भी रख सकते हैं ना। ठीक है, चलो तो थोड़े टाइम में मिलते हैं। सो गाइज अभी हम लोग जाते हैं नीचे, जो है कि फातिमा अभी फ्रेश हो रही है, रेडी होगी, तब तक हम लोग नीचे जा रहे हैं अम्मी के घर पे, और वहाँ पे जो है शीरकुरमा वगैरह वहाँ पे ही खाएंगे, डैडी से गले मिलते हैं, ईद मुबारक बोलते हैं, नमाज पढ़ के आ गए होंगे। चलिए नीचे चलते हैं भाई, ऐसा मत कर। पेट, तू तो पेट तक ही पहुंचा। एकदम जब्बर हुआ अभी। सो गाइस अम्मी अभी जो है अम्मी नमाज पढ़ रही हैं, और देखते हैं शीरकुरमा किधर गई। हाँ लगता तो है शीरकुरमा तैयार हो गया है, शीरकुरमा तैयार हो गया है। अब ये जो है फातिमा तो फ्रेश हो के आएगी जब हमने देखनी। सुबह से खाया वो भी खजूर खाया सच्ची गाइस। भूख लगी है? नानी से गले मिल। इसको गले मिलने को भी सूखे लाइन में लग जाओ। हाँ मुबारक नानी। बेटा कौन कौन खा रहे शीरकुरमा? तैयार है ना शीरकुरमा? गाइस हम लोगों का आ चुका है शीरकुरमा, हम लोग शीरकुरमा पी लेते। कैसा है भाई, मीठे टेस्ट बताओ कैसा है? अच्छा है, मस्त है, बहुत अच्छा। कैसा? बहुत अच्छा है। हाँ? इस बार नानी बनाई, मामा नहीं बना। हाँ ये देख लो भाई, बाप बेटी ईद मुबारक गले मिल रहे हैं। ईद मुबारक, अच्छा सा ईद। चलो मम्मा से, मस्त है ना? अभी फ्रेश होके मैडम आई है काम वाली के चक्कर में। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। खा लिए? हाँ। से भी मिल ले। अम्मी से मिल लो। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद अभी मिल रहे गले, देख लो जरा। और गाइस को ईद मुबारक बोल दो। अच्छा हाँ, आप सबको ईद मुबारक। अच्छा ब्लॉगर भूल जा रही है ना, काम वाली इसको रोक के रखी थी, सबके हाथ में पैसा दिख रहा है। सही बात है। पेमेंट 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 रिसीव, पेटीएम करा, पेटीएम करो। मेरी ईदी आ गई। और अच्छा ये मेरा है गाइस, देख लो मेरा ईदी। सही है, आ जाओ। राइट हैंड, थैंक यू तो बोल ले। अच्छा धीरे से बोला क्या लगता है? हाँ ले मेरे तरफ से भी ले।
दो जल्दी रुको रुको तू देख, एक दो तीन चार, अरे पूरे नंबर दो ना, क्या गिन रहे हो, पूरे नंबर दो, पूरे नंबर और अच्छा मुझे फॉर यू, चलो सही है, और ये लीजिए आपके स्पेशल ही थी आईफोन के लिए बेस्ट कवर लगा दीजिए, वो एकदम है ना जब से लाए हैं एकदम ट्रांसपेरेंट गंदा हो गया, ये लेदर थोड़ा अच्छा लग रहा है, ईदी है, ईदी नहीं है भाई, ईदी नहीं है, ये कैसा लग रहा, माशाल्लाह सुपर, अच्छा लग रहा ना। सो गाइज इनसे पूछो कि इतने टाइम 6-7 महीने से थी कहाँ, ये ऐसी ब्लॉगर गायब हो जाती है फिर बाद में भूल भी जाती है कि अच्छा मैं ब्लॉगिंग बना करती हूँ, कुछ बोलना भी था वीडियो में, क्या बोलना था, वही तो भूला बेचारी भूल गई, जाने दो अभी धीरे धीरे शुरू हो जाएगा तुम्हारा, टेंशन मत लो, चलो शेर खुरमा तुम पी लो, पी लीजिए शेर खुरमा आप लोग, हाँ आप पी लो, शेर खुरमा पी रही है, हर साल खुद बनाती थी इस बार हम भी बनाएंगे, हर साल ऊपर ईद मनाते थे इस साल नीचे ईद मना रहे, हाँ इस बार हम लोग ने चेंज किया प्लान में, पी लो पी लो, बोल बेटा क्या तेरा प्रॉब्लम है, ईदी दूं तो, मैंने ईदी तो अभी जस्ट दिया ना, कौन नहीं दिया, उठ के बैठो, पर उठ के बैठो, ये नानी का है, मैंने दिया, ये मम्मा अभी दे रही है, ले लो, चलो भाई ये मैंने दे चुका था, अभी ये मम्मा दे रही है, थैंक यू मम्मा की तरफ से भी अलग चाहिए, डैडी की तरफ से भी अलग चाहिए, वहाँ पर मम्मा के पास आने वाला है सब कुछ, नहीं जाएगा तो इन्हीं के इसमें जाएगा, हाँ हाँ देना, पर दे दे बेटा, दे दे मम्मा को, दे दे वापस, कहीं अब बोला क्या खर्च कर लेंगी मम्मा तो, है ना आरू, तूने ऐसा बोला, ऐसा बोला अभी, बोला खर्च कर लेगी अभी, बोला खर्च कर लेगी, अच्छा तो तुम लोग माँ बेटे का फोटो खींचो, चलो गाइस तुम लोग का जरा फोटो खींच लेते हैं माँ बेटे का, फिर उसके बाद जो है वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, शुरू करो, सो गाइस हमारा अभी तय बना है, ये है भाजी और ये है पूरी, पूरी भाजी खाएंगे उसके बाद फातिमा, पूरी जी, ये है भाभी जी और फिर फातिमा बनाएगी बिरयानी खिलाएगी, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह बिरयानी बिरयानी है ना, वाकई में, और आपका तो बिरयानी वो हर व्लॉग में, ईद में क्या बना रही फातिमा बिरयानी, इन लोग सबका वही, इन लोग सबको बिरयानी ही तो रहता है, दुआ पढ़ने के लिए दे रहा है, ये देख लो गाइस रमजान पूरा हो गया, इतना कम से कम नाश्ता तो कुछ खाया हुआ रहेगा, और पूरी कितना मस्त बना माशाल्लाह, देख लो गाइस पूरी का शेप देखो गाली, ये एकदम फुगा फुगा हुआ, आयान अलग अपने स्टेटस लगाने पे पड़ा अपने मोबाइल में। सो गाइस हम लोगों का नाश्ता करके हो गया है, मजा आ गया, पूरी भाजी इतना प्यारा पूरी भाजी बना था ना, इतना टेस्टी के कहा करके एकदम मस्त पेट भी भर गया, अब फातिमा चली अपना तैयार हो करके, आपको लग रहा होगा नमाज पढ़ने जा रही है, नमाज बिल्कुल पढ़ने नहीं जा रही है क्योंकि अभी नमाज का टाइम भी नहीं हुआ, 11 बजे ये जा रही है खाना बनाने, इसके कपड़े गंदे ना हो जाए इसके लेकर के सेफ्टी, वेरी गुड, ये पूरा ढका हुआ रहेगा कपड़े पे, क्या ये नहीं हो तेल वेल के मसाले उठते हैं पर नए कपड़े खराब, वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक, और बेचारी बेचारी का मेहंदी भी कल नहीं लगा पाए मार्केट में, इतनी गर्दी थी भीड़ थी, वेट ये असली बात बोलो कि भाव बहुत था इसीलिए नहीं लगा तो तुम खुद बोलो फिर क्यों नहीं लगाए, मैडम को इतना महंगा लगता बोलती, ये कितना ले रहा था, एक लाइन का इतना लेने का, एक अरबी का एक्स्ट्रा लाइन डिजाइन का ना 500, हाँ बोलो 500 वो भी इतना भी नहीं इतना, हाँ वो भी एक लाइन ऐसा, एक लाइन का अरबी का, फिर सब लूट मचा लिया मेरी बीवी, और पैसा 500 रुपए एक लाइन का दे दे, इम्पॉसिबल, 10 रुपए में काम पटा दी, 490 रुपए बचा ली अभी उसी का 5 उसी में 10 रुपए ऐड करके वापस ईदी दे दी बच्चे लोग को 500 रुपए और पूरी तो इतना माशाल्लाह फुगा फुगा बना था कि अभी भी फुगा हुआ एकदम, हाँ। अभी दबा के बर्बाद दो, तो अभी बिरयानी की तैयारी करने जा रहे हो, हाँ, बिरयानी की तैयारी कल मैरिनेट करके रख दिए थे, रख दी थी मैं बताती हूँ, ओ वाह ये देखो कल मैरिनेट मैडम ने करके रख दी थी, आज सीधा बनाने में लग जाएगा, रात को रात ही को कर दी थी, हाँ खाली बनाने में चल रहा है, हाँ अपना बच्चा इस साल ईद में है, अगले साल ईद में नहीं रहेगा, बोर्डिंग में ही रहेगा स्कूल में, है ना बेटा, कोई बात नहीं हम लोग बिल्कुल उधर नहीं आएंगे तुझे डिस्टर्ब करने
सो गाइस सोकर उठ गए हैं और बनाई थी फातिमा ने बिरयानी, वो भी खा लिया अच्छे से। और अभी मैं सो के उठा था, बिरयानी खा के बैठा था, आराम कर रहा था, मगर इन लोग दोनों नानू और नाती मिल करके मुझे लेकर जा रहे हैं कहीं, बता नहीं किधर लेके जा रहे हैं। बोले चलो घूम करके आते हैं, अब लगता है ठाणे का चक्कर लगा के आएंगे। सो गाइस जो है हम लोग सो करके उठ चुके हैं, इतनी बेहाल वाली नींद हम लोग सो रहे हैं, जिसका कहना नहीं है। मैं बाहर से आया उसके बाद थोड़े बेच के सोया हूँ, रात ही है, मगर जो सोए हैं ऐसा लगा दूसरा दिन हो गया है। सो ये था हमारा आज का ईद का व्लॉग। अब हम लोग जो है कल निकलेंगे गुजरात के लिए। आई होप ये व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। अब हम लोग शॉर्ट व्लॉग बनाएंगे एकदम, और हमारी चल रही है पैकिंग, ये दिखाते हैं पैकिंग में कैसा चल रहा है। देखो ये देखो अरहान के, मेरे अयान के वहाँ पैक हो गए हैं। Guys, एक बात बोलूं तो ज़्यादा से ज़्यादा डैडी ने किया है शॉपिंग। तब क्या होगा? एक बार निकाला 10-10 पूरे टी-शर्ट निकले होंगे। सही बात है, 10-12 टी-शर्ट मैंने खरीद लिए। 10 क्या, पूरा 1000 खरीदा है आपने डैडी? इस बार मुझे टी-शर्ट खरीदने थे, इसलिए 10-12 टी-शर्ट ही खरीद लिया मैंने। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बाय। आई डोंट वांट टू सी यू, आई डोंट वांट टू हियर यू टुनाइट, आई डोंट वांट टू फाइट यू।